है नहीं है, वो कुछ भी चीज आपको बोलना नहीं है, ठीक है? सो यू विल जस्ट से दैट हाय ठीक है माय सर। नेम इज ऋषिकेश कुलकर्णी, आई ग्रेजुएटेड इन द ईयर 2008 2020 एंड आई पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज एंड योर कॉलेज नेम, ओके? एंड देन यू विल डायरेक्टली यस सर सी द थिंग इज दैट योर इंटरव्यूअर विल ऑलरेडी हैव द रेज्यूमे, ओके? योर रेज्यूमे, सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द यस सेम सर थिंग्स व्हिच ही इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ, उसको ऑलरेडी पता है तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें, वही चीज बोलने से इट्स बेटर कि आप कोई दूसरा चीज बोलो जो कि इंटरेस्टिंग हो, जैसे कि आप ये बोल सकते हो जो आपने रेज्यूमे में नहीं लिखा, कि शायद आप ये बोल सकते हो कि योर फेवरेट हॉबी के बारे में बोल सकते हो, कि आपका कोई फेवरेट अगर हॉबी है, एंड दैट हॉबी ऐसा नहीं होना चाहिए प्लेइंग बैडमिंटन, रीडिंग म्यूजिक, ये सब नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सम हॉबी जिसमें फेक हॉबी, हाँ ये भी फेक हॉबी, जस्ट सामने वालों को सुनाने के लिए है कि उसको कान में अच्छा लगे वो चीज, यू जस्ट टेल हिम दैट इन ड्यूरिंग माय लेजर टाइम आई लाइक टू प्रिपेयर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, आई डू अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीलांसिंग, या आप ये भी बोल सकते हो कि आई लाइक टू रीड अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग सो दैट आई कैन अपग्रेड माई सेल्फ इन फ्यूचर, सो ऐसे ऐसे करके, समझ गए? तो कि सामने वाले को लगेगा अरे भा इसको टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, समझ गए? एंड ठीक है जितना सर। आप रेज्यूमे से हटके, मतलब रेज्यूमे तो स्टिक करना ही है, ऐसा नहीं कि आपके गांव का नाम, फैमिली में कौन क्या कर रहा है, नो वन इज इंटरेस्टेड, यू जस्ट मेंशन यू ग्रेजुएटेड इन द ईयर दिस, ये किया, देन योर कॉलेज एंड योर हॉबी, अंडरस्टूड? ये तीन पॉइंट आप मेंशन कर, इफ इफ रिक्वायर्ड मेक अ नोट ऑफ इट, अगर दिमाग में रह रहा है इट्स फाइन, ठीक है? ठीक है। चलो प्ले करो आप। शुभदीप एक्चुअली रिकॉर्ड हो हमारे, रही है आई थिंक। ठीक है हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, शेयर कर देंगे बाद में। ओके ओके ठीक है, चलता रहेगा। हाँ। एंड इन हैदराबाद आई परस्यूड माय इंजीनियरिंग बीटेक डिग्री एंड आई एम रिसेंटली पास्ड आउट 2020 एंड आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन वेब डेवलपमेंट। व्हेन आई केम टू माय इंटर्नशिप आई हैव सीन व्हेन आई वर्कड ऑन एचटीएमएल सीएसएस एंड दैट थिंग्स I loved that things. Means there is no like no like Java and like pause correct and... हाँ तो suppose you are telling your passion कि तुम्हें web development अच्छा लगा, so that is also a good point that you mentioned, but the way you mentioned it's absolutely wrong. First of all grammatical errors बहुत है, अगर past tense में है, अगर पीछे हुआ है तो वो past tense में रहना चाहिए, तो वो एक्चुअली कानों में लग सकता है इंटरव्यूअर को, ठीक है? तो वो चीज तो आपको ठीक करना पड़ेगा। हाँ तो जैसे आप बोल रहे हो ना HTML CMS एंड दैट थिंग्स, आपने दो बार मेंशन किया दैट थिंग्स, मतलब अरे ये तो कोई भी चीज है ऐसा टाइप, राइट? सो ऐसा नहीं बोलना, यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। तुम्हारे दिमाग में शायद वैसा नहीं है, बट सामने वाला जो सुन रहा है ना वो ये सुनेगा अरे HTML CSS एंड दैट थिंग्स, सो बी स्पेसिफिक कि HTML CSS JavaScript आई एंजॉयड during my college days, from that day onwards I had grown a passion towards web development. I wanted to learn the technology so much that I enrolled myself in an institute and I learned the things, and then I started developing small projects, and that encouraged me to learn more, so I learned Angular as well, and definitely I am trying to build my career completely into this domain. तो तीन चार सेंटेंस में यू कैन फॉर्म अ वेरी नाइस क्रिएट अ वेरी नाइस इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर, ठीक है? समझ पा रहे हो राइट? छोटी छोटी पॉइंट्स है विच इज नॉट टफ, बट थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, और एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे शुभदीप, एक्चुअली ऋषिकेश बोलते समय इट इज नॉट लाइक जावा एंड ऑल मींस ट्राइंग टू डोमिनेट द जावा, राइट? सो ये भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे टेक्नोलॉजी को तुम डोमिनेट करो, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। हाँ तो किसी को छोटा भी नहीं करने का, किसी के साथ कंपेयर भी नहीं करने का, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि जावा मतलब अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, तो ऐसा नहीं बोलने का, तो बट बोल सकते कि ये अच्छा है करके, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जावा को डोमिनेट करके नहीं बताना है। directly coming output, it runs on browser, so
I liked that and I got to know that I have interest in web development. So this is what. Right. So you mentioned that you passed out in the year 2020 and yes, you have your passion towards web development, yes, rather than into backends and everything. Yes, sir. That's good to know. And also, I would like to know that during the time of your web development training or the course you might have pursued something, what challenge did you face the most during that time? Everything definitely did not go smooth. So what is the most challenging? हाँ तो ऋषिकेश बताओ तो ये क्वेश्चन क्या था मोस्ट चैलेंज थिंग यू डिड कब क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे से सुनो सामने कुछ बोला है मैंने कि व्हेन यू हैड एनरोल्ड फॉर एन इंस्टीट्यूट और समथिंग लाइक दैट तब तुमने क्या चैलेंज फेस किया था एंड उसको कैसे ओवरकम किया राइट यस सर तुमने जवाब क्या दिया था कॉलेज टाइम में मेरे पे ये हुआ समझ गए वो टाइम हां वो टाइम पे क्या हुआ वेरी इंपॉर्टेंट याद ही नहीं आया क्या बोलूं मतलब ऐसा मैं थोड़ा चुप बैठा ना तो याद ही नहीं आ रहा इतने चैलेंजेस फेस किए एक भी याद नहीं आ रहा क्या ऐसा लगा हां तो और वो रिलेट मैं जानबूझ के कॉलेज टाइम नहीं बोला बिकॉज कॉलेज टाइम में बहुत चैलेंजेस होते हैं तुम्हारे वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में तुमने क्या चैलेंज फेस किया तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया था कि देखने के लिए कि तुम कितने प्रेजेंट हो मतलब इंटरव्यू के टाइम पे यू नीड टू बी वेरी प्रेजेंट ओवर देयर ऐसा नहीं कि आप मेरे दिमाग कहीं और जगह चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं क्या दूंगा अरे ये पर क्या था ये मेरे को बताना है वो नहीं चलना है सामने वाला क्या बोल रहा है हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश करना एंड उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना नहीं तो दीज आर सम नेगेटिव पॉइंट्स इंटरव्यू क्या करेगा पता है उस क्वेश्चन के ऊपर ऐसे क्रॉस मारेगा और बोलेगा कि he went out of track समझ गए तुमने चैलेंज का आंसर दिया बट तुम्हें कॉन्टेक्स्ट तुमने पकड़ा नहीं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट है ओके प्ले प्लीज और एक चीज यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि सपोज कभी नेटवर्क के कारण या किसी के कारण सुनाई मतलब सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन तो उसको अज्यूम करके कभी आंसर नहीं देना है अगर वैसा हुआ तो वापस से पूछो ऑलवेज डबल कंफर्मेशन ले लेना कि हाँ पर ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए डबल कंफर्मेशन लो हाँ मतलब अगर कभी डाउट हो तो राइट हाँ डाउट हो सिर्फ अज्यूम करके किसी क्वेश्चन को आंसर मत देना हाँ ठीक है thing that you faced and how did you overcome that when it comes to the engineering we are being engineering students we face so many challenges and we have that ability that the problem solving skills so that thing I know means whenever the problem is problem came I know this is for some time so always there is a problem every day for me there is a problem but I am means like we are okay with that we being an engineers we know that how the problems are faced first correct our main task is that only ha to samajh pa rahe ho na kitna off track chale gaye tum tumhe question pucha gaya tha kya tumne kya given example ki क्या तुमने फेस किया है उसको ओवरकम कैसे किया और तुम बोलने लग गए मैं हम लोग इंजीनियर लाइफ पे बहुत प्रॉब्लम होते हैं हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ये है वो है तो बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक चले गए ठीक है इसीलिए इंटरव्यू मैंने क्या किया वापस से उसी क्वेश्चन को पूछा कि गिव मी एन एग्जाम्पल की कैसे हुआ बिकॉज यू कम्प्लीटली वेंट ऑफ ट्रैक तो ये हमेशा ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें कि इंटरव्यूअर को उसी सवाल के लिए मुझे मजबूर नहीं करना उसी सवाल को वापस से पूछे बिकॉज अगर आप मजबूर करते हो इंटरव्यूअर को कि सेकंड मतलब उसी सवाल को वापस से अलग तरीके से पूछने के लिए दैट मीन्स वो नाखुश है तुम्हारे आंसर से समझ गए वो ध्यान रखना हाँ प्ले कर इंग्लिश को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज तुम्हें समझ में आ रहा है कि कितना ऑफ ट्रैक जा रहा है मतलब तुम्हारा इंग्लिश इंग्लिश भी अगर तुम देखोगे तो ग्रामेटिकल एरर्स बहुत एक भी सेंटेंस सही से कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है सो नहीं हो रहा इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़ो अच्छे से जोर जोर से पढ़ो लोगों से बात करो धीरे धीरे ठीक होगा ये बट टाइम लगेगा इसको ठीक होने में तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन
तुम एक सेंटेंस को आधा छोड़ के सेकंड वाले सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो इसीलिए वो मीनिंग नहीं बन रहा है अच्छे से, समझ गए? मतलब मैं उधर था ना तो वो ऑटोमेटिकली आता था, अभी ऐसा सोचना पड़ रहा। पहले ऐसा मतलब हैदराबाद में जब तक था तब तक उधर इंग्लिश में ही बात करता, मतलब वही रहता था ना दिमाग में। अभी इधर आया तब से ऐसा ही हो रहा, मतलब बात करने को ट्राई कर रहा तो नहीं आ रहा ऐसा, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। बिकॉज़ देखो प्रैक्टिस, अगर तुम 10 दिन 15 दिन अगर तुम कोडिंग करना छोड़ दोगे ना तुम भूल जाओगे, बिकॉज प्रैक्टिस में नहीं है या जंग लग जाएगा तुम्हारे इस पे नॉलेज पे। तो वही बात है, तो इंग्लिश में भी वही है, तो एवरी डे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कनेक्ट करो एंड सबसे बात करो। और एक चीज मुझे बताओ ऋषिकेश, अभी आप लोगों ने तीन लोगों ने कनेक्ट किया था तो आप इंग्लिश में बात कर रहे थे कि मराठी में? हाँ मैक्सिमम इंग्लिश में हमने ट्राई किया। ओके मतलब आज कुछ भी नहीं, आज आज सिर्फ कल से क्या करेंगे, और इसमें सेशन में इंग्लिश में बात करने का बोल के। हाँ तो इंग्लिश का भी स्टार्ट किया है ना, इंग्लिश में डिस्कशन करना। हाँ हाँ ओके ठीक है ठीक है, अच्छा है। यस यस सर, थिंक प्रॉब्लम सर नॉट मींस व्हाट प्रॉब्लम्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर सो मच टाइम और समथिंग लाइक दैट। ओके इफ यू कैन शेयर एनी एक्सपीरियंस ऑफ योरसेल्फ means a problem that you faced, and as you are very positive, you have got a positive attitude towards your life, what we can understand. So how did you overcome that challenge, means that problem? Can you just give one example? Okay. So many things, like last month only we have seen my family got into danger, means whole family got corona, COVID. So we basically, the interviewer was asking some technical challenge that you faced, right? तुम्हारे life में क्या problem है वो नहीं सुनना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि तुमने क्या ऐसा technical challenge face किया and उसको कैसे overcome किया? You gave an incidence of your life, which is not appropriate in this question. समझ गए तुम? ये किसी और टाइम पे बोलते तो इट्स फाइन, बट इस क्वेश्चन का जवाब ये नहीं होता, सो इट इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर ले अमोल, क्योंकि ये पार्ट उतना जरूरत नहीं है इसमें। पर्सनली आई एम विद हिम फॉर 30 डेज, दैट यस सर, थैंक्स, आई वुड लाइक टू आस्क दैट। Though you are extremely positive, there are some kind of weaknesses that we have as well as a human being, as an individual. So if you can highlight any one of your weakness that you feel that, yes, that weakness is there in you. I feel that means if someone wants to means take advantage from me, I means come in that. Yeah, means they can take easily. Easily. Means my behavior is like I want to help them. If they are in problem, I want to help them. That I saw many times in myself. That means you are saying that you can. So this is a three strengths and three weakness. This is a very favorite question during the time of interview for a fresher. ठीक है, जितना तुम experience gain करोगे तुम्हें ये question नहीं पूछेगा. These questions are very very vital questions. क्यों? Because इसमें तुम्हारा personality कैसा है. And maximum interviewers को पता है कि इस question का जवाब तो तुम जान के ही आओगे कि क्या देना चाहिए. But 95% लोग फिर भी जाके mistake करते हैं. बिकॉज क्योंकि इतना रैंडम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता प्रिपेयर करने के बावजूद भी. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फर्स्ट, जब तुम्हें तुम्हारा नेगेटिव चीज कोई सामने के लिए बोलता है तो तुम्हें अपना नेगेटिव पॉइंट उठा के
खोल के नहीं देना है, जैसे तुमने यहाँ पे दिया कि मुझे कोई भी आके मेरा एडवांटेज लेके जा सकता है, राइट? तो दिस इज अ वेरी नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव पॉइंट अबाउट योरसेल्फ। मैं कैसे इस पॉइंट को अवॉइड करता, मैं ऐसे बोलता कि डेफिनेटली देयर आर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बोलता कि मेरा कोई वीकनेस है, मैं ऐसे करके उसको जवाब देता कि आई पर्सनली डू थिंक दैट वीकनेसेस आर टेम्पररी, सो दीज आर बेसिकली द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, इफ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज एरियाज देन डेफिनेटली आई कैन ओवरकम दैट। तो मतलब उसके क्वेश्चन को मैं एक पॉजिटिव क्वेश्चन में चेंज, आंसर में चेंज कर दिया कि ये वीकनेस मैं वीकनेस नहीं मानता हूँ, ये कुछ टाइम का एक टेम्पररी फेज है, जो अगर मैं अपने आप के ऊपर काम करूंगा तो वो शायद ठीक हो जाएगा। एंड मैं उसका जवाब क्या देता, I'll say that I bite my nails, and which I think is a very negative quality in me, because that is something which people might not appreciate. तो समझ गए, मैं technical चीज़ या मैं personality related कोई भी बात नहीं बोला, मैं ऐसा बात बोला कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा, मैं बोल दूंगा मैं नाखून खाता हूँ, that is a negative point about my, समझ गए? तो ऐसे करके, मतलब ऐसे trick answers देना important है, interviewer को लगेगा अरे भाई क्या जवाब दिया साले ने, मेरे को तो समझ में नहीं है मैं इसके ऊपर क्या बोलूं, समझ गए? सो दिस इज हाउ यू शुड टैकल दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। यस कंटिन्यू। वेरी इजीली बी मैनिपुलेटेड बाय अदर्स? नो 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 नॉट मैनिपुलेटेड बट आई हेल्प। तुमने ऐसा तुमने जवाब दिया ना कि मेरे को पकड़ने में बहुत इजी हो गया, कि मैंने तुम्हें इमीडिएट क्वेश्चन क्या किया कि फिर तो तुम चांस दे रहे हो कि यू कैन इजीली गेट मैनिपुलेटेड बाय अदर्स, फिर मैं तुम्हें कुछ काम, तो मैंने जो सिनेरियो भी क्रिएट किया ना तुम्हारे आंसर के ऊपर की क्रिएट किया, क्योंकि तुमने मेरे सामने पूरा खुला मैदान दे दिया, मैं तो गोल करूंगा इस पे, समझ गए? तो ये ऑप्शन कभी इंटरव्यू के टाइम पे नहीं देने का। कंटिन्यू। अब हेल्पिंग पर्सनालिटी, सो इन द इंडस्ट्री इट माइट हैपन दैट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट देयर वुड बी समवन हु माइट बी आस्किंग यू that please help me in this project. So yes. What you are going to do, are you going to leave your task and help that person because he is closely connected to you? What will be your approach towards that scenario? Yes, if I'm working in my company for a project, for my project, definitely I don't leave that because it's my task. I want no na hello अभी जो बोला आई एम वर्किंग फॉर माय कंपनी, मतलब ऐसा बोला कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि एक फ्रेशर है या काम कर रहा है। नहीं नहीं, इंग्लिश में तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ। म्यूट कर तू अपना वाला, मैं बताता हूँ अभी तेरा क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं आ रहा हूँ बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत खामी है, तो पूरा 2 घंटा चला जाएगा। तो इंग्लिश के लिए ऊपर हम लोग एक अलग सेशन देंगे कि कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, वो बात करके समझ में आएगा आप लोगों से कि कैसा प्रोग्रेस हुआ है। सो एक हफ्ता आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, देन वन डे वी विल जस्ट इट वोंट बी एन इंटरव्यू, वी विल जस्ट इंटरेक्ट ओवर फोन इन इंग्लिश, तो समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश किस कैसे प्रोग्रेस में। तो आपने जो यहाँ पे वर्ब वगैरह यूज किया है वो पूरा एकदम मतलब लेफ्ट राइट सेंटर हो गया। तो आई एम वर्किंग, तो आई एम वर्किंग मतलब मैं अभी काम कर रहा हूं, तो जो कि नहीं होता है, राइट? तो अभी देखो सिचुएशन तो मैं ये दिया था, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक चीज हमारे हिसाब से नहीं होता, राइट? तो सपोज तुमने एक नेगेटिव पॉइंट बोल दिया अपने आप को, तो वो टैकल करना भी आना चाहिए, बिकॉज वहां पे क्या हो जाएगा, अरे जैसे तुमने बोल दिया बैक ऑफ द माइंड तुम्हें लगेगा अरे भाई मैं तो पॉइंट दे दिया इसको, अब तो मारेगा ये मेरा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं डर जाऊं, अगर कोई क्वेश्चन करता है मैं उसको अच्छे तरीके से टैकल करूंगा। मैं अगर तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन अगर पूछता मुझे तो मैं कैसे हैंडल करता इस चीज को। तुम्हें जैसे क्वेश्चन दिया है कि इफ यू हैव बीन वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट एंड देयर इज अनदर फ्रेंड हु नीड्स हेल्प देन यू विल लीव योर वर्क एंड हेल्प हिम और समथिंग लाइक दैट वॉज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हें ये आंसर देना चाहिए कि माई वर्क इज माई प्रायोरिटी, ओके, I cannot handle 2 things at the same time. But as per my nature that I mentioned that I have a helping nature. So I tend to provide help to my colleague as well. So what I'll do is that first of all, I'll take the time and I'll complete my work within the deadline.
I'll get the review done from my manager, and then during my other leisure time, or if I have time, so leisure time bhi nahi, if I have time, I'll definitely offer my help to my colleague. तुमने क्या जवाब दिया था कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मैं 24 घंटा काम कर सकता हूँ, मैं सुपरमैन हूँ, रैम्बो हूँ, ऐसा नहीं. नो, आपको आपको 9 घंटे काम करने हैं, 10 घंटे काम करने हैं, बस उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं काम करना है. ये बोल के तुमने और एक क्वेश्चन, मतलब मैं उस टाइम पे पूछा नहीं, बट आपने सवाल एक क्रिएट कर दिया था मेरे माइंड में कि मैं तो इजिली बोल सकता हूँ तुम 15 घंटे काम करो फिर एवरीडे फॉर मी. Since you are a Rambo, समझ गए? So will you work if I tell you for to work for 15 hours for next 30 days or 60 days? You can't work, right? तो इसीलिए, तो कभी भी जो जवाब दोगे, it should be concentrating on you as an individual. अगर तीसरा कोई बंदा को related question अगर पूछा जा रहा है, तो वो तीसरा तुम्हारे life में कोई नहीं होता. अगर तुम help करोगे situation wise समझ के बोलना कि हाँ मैं अपना काम सबसे पहले खत्म करूँगा. And then, if I have additional time, I'll definitely help. तो उसमें क्या होगा, तुम contradict, तो वो तुम्हें counter question कर सकता है. तुमने तो बोला कि तुम्हारा कोई भी utilize कर सकता है, फिर तो तुम utilize करने नहीं दे रहे हो. तुम्हें ये बोलना चाहिए उस time पे, ये बोलना चाहिए अगर ऐसा कोई question पूछता है, तो आपको ये बोलना चाहिए उस time पे कि no, since helping nature, I do have a helping nature, so I am not going to reject him straight away. I'll tell him that if I have time, then I'll definitely help him. Because my work is my priority and I work for my organization. और हमेशा my organization ऐसे करके बोलना, तो उस interviewer को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, तुम connect कर रहे हो अपने company. You treat that company as your own company. And when you treat a company as your own company, तुम automatically अच्छे से काम करोगे ही उसके लिए. समझ गए? तो मैं सबसे पहले I'll work, I'll make sure that I complete my work and then I will help him. But not going out of your boundaries and help. 24 घंटा है, मैं कभी काम कर सकता हूँ, वो सब बिल्कुल मत बोलना, फिर एकदम फंस जाओगे. मैंने तो कुछ बोला नहीं, सेकेंड इंटरव्यू में मैं बोलूंगा ये सब लूपहोल दोगे ना, मैं गूगली दूंगा, फिर देखूंगा कि कैसे टैकल कर रहे हो. ठीक है, तो मत देना कोई भी ऐसे लूपहोल्स. कंटिन्यू अमोल. Rishikesh, tum relate kar pa rahe ho, right? Kya sir? Ha, matlab samajh pa rahe ho na tum? Ha, ha sir, ha, 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 ha
we have so much time, like intervals and all that thing. So whenever I get used to bore for some time, I will go there. I will share with him about my task and I can help him. So I will also get some. बहुत ज़्यादा tensed हो गए हो, समझ गए हो कि एक भी sentence सही नहीं बैठ रहा है. I bore him, I bore of him, lot of time in company, interval. Movie में होता है interval, office में interval नहीं होता. टिफिन टाइम में नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता ऑफिस में. तुम जब चाहो खाओ, जब चाहो बैठो काम करो, ठीक है? तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर ले. हाँ बोल. And at the same time you have some urgent issue or urgent work means I will. But at the same. Yes. For example, I'm giving a scenario that I am a very good friend of yours. Okay. Yes, sir. And there is my manager who's asking me a job that I know you can only do. I do not have that knowledge. Yes. And that is in high priority. And you have at the same time also got a task, might be a different task with a high priority. So how are you going to deal with this kind of scenario? Because it generally happens in the industry. Yes. Then first I will check which task has highest priority. Firstly, I will तो तुमने यहाँ पे क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक व्हिच टास्क हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. दैट मींस यू
आर टेलिंग कि अगर उसका काम ज्यादा हायर प्रायोरिटी में होगा मैं अपना छोड़ के उसका देखूंगा, समझ गए? क्योंकि तुम्हारा पहला लाइन ही ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक विच टास्क हैज गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब वही होता है कि अगर उसका काम ये हुआ, यहाँ पे क्या आंसर तुम्हें बेसिकली देना चाहिए था, तुम्हें ये देना चाहिए था कि सिंस यू मेंशनड दैट माय फ्रेंड हैज गॉट अ टास्क एंड ही हैज गॉट नो नॉलेज ऑन दैट टास्क, आई डू हैव दैट नॉलेज बट ही डोंट हैव दैट नॉलेज, सो ही हैज कम टू मी फॉर हेल्प, so I'll help him by saying that since you are not aware of this technology or this knowledge, so you should directly go and speak to your manager that right now I do not have that knowledge to do it, so if you can schedule this task to someone else, समझ गए? कि ये तुम्हारे दोस्त को पता नहीं है तो मैं ऊपर जाके उसके लिए काम क्यों करूंगा भाई, क्योंकि मैं उसको एडवाइस दूंगा, so I'll give him as a good friend, I'll give him the best advice कि भाई तेरे को नहीं आता तू खुद फंस जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जा, जाके उनको बोल कि तेरे को नहीं आता, और वो देखो हमेशा सबका बैकअप होता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि तुम्हें नहीं आएगा, तुम अगर कंपनी छोड़ दोगे तो कंपनी को घंटा कुछ फर्क पड़ेगा, तुम्हारा रिप्लेसमेंट उसको मिल ही जाएगा, समझ गए? तो ऐसा बहुत ही कम टाइम ही खूब बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बंदा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंपनी के लिए, ऐसा बहुत ही कम टाइम ही होता है, बट हाँ तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना चाहिए, ठीक है? ऐसा तो बिल्कुल मत बोलना है फर्स्ट चेक विच वर्क हैज गॉट हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है? ठीक, चलो कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होता है कि तुम खुद की जिम्मेदारी छोड़ के दूसरे की जिम्मेदारी ले रहे हो, मतलब दूसरे के काम की जिम्मेदारी ले रहे हो, ऐसा मतलब अगर तुम्हें ऐसा ओके for some time I will do this task and for some time I will do this task and both should be completed because my manager also will not happy if I don't work on that task, okay? So I will do that task also for some time and this task also for some time, like we do in project management. Or project management we have so many methods like agile and all that. In that we see that so many tasks are done on for some time and there are lots of projects in industry. Okay, if I'm working, I'm but not you are assigned a particular task, right? You are not told to manage different things. Yes. You have only been assigned for a particular task. I'm all boss, sir. And right now you are saying that you. हाँ, तो यहाँ पे देखो. तुम इंटरव्यूअर को बोल रहे हो बेसिकली कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या हो जाता है, विच वी शुड नॉट डू इट, राइट? वहां पे क्या बेसिकली हो जाएगा वो तुम्हें समझना चाहिए कि वो ऑलरेडी जानता है ये सब चीजें, वो तुमसे ये नहीं आंसर चाहता है। अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता है, वो टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है, जो तुमने बोला ही नहीं, तुमने बोला है वहां पे मल्टीटास्किंग तो करना ही पड़ता है, बट वहां पे भी टाइम फ्रेम होता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें पांच जगह पे एक साथ जाके काम करना पड़ता है, जो कि तुमने बोला आई डू दिस वन आई डू दिस वन, दिस का अपोजिट दैट होता है, तुमने दोनों जगह दिस बोला आई डू दिस वर्क एंड देन आई डू दिस वर्क, समझ गए? मतलब आप मराठी में या हिंदी में सोच रहे हो और बोल रहे हो इंग्लिश में, तो ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं अमोल, ये वाला हो गया ऑलमोस्ट। इन अ डे माय मैनेजर like that, do you think the quality won't get affected yourself to be, but do you think that definitely you are proving yourself to be highly productive by doing two tasks, do you think the quality won't get affected if you are doing two tasks, not only you are concentrating on your task but you are not complete giving your 100% in that task? You mentioned that you will be doing some for this one, some for that one, right? Yeah. So that means your concentration has got divided. So don't you think the quality will definitely get affected due to that? Neither you will land a good quality on your task nor in that other task. Yes, sir. Then as I'm working for long time, if suppose I'm working for long time, then I have good knowledge on that thing. So I know what is wrong and what is right. And about quality, that's the main thing. Okay. If someone told me, if company given me the task that they want a quality product from me, and manager also assigned me on task, means he knows only I can do that.
means pass I have some knowledge on that means हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें क्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तुम बैक ऑफ द माइंड तुम्हें समझ में आया कि मैं फंस गया हूँ इसमें, अभी क्या बोलूं, तो इसीलिए तुम एक ही बात को घुमा फिरा रहे हो, आंसर कुछ नहीं आ रहा है बट घूम रहा है सब चारों तरफ, समझ गए? तो यहाँ पे बेसिकली तुम फंस ही गए थे एक्चुअली, क्योंकि इसका जवाब कुछ होता नहीं है, बिकॉज दो ना दो दो बोट पे पैर देके कब भी नहीं चल सकते, तो वही बात है। तो ये इंटरव्यू के लिए चेकमेट था कि डन खत्म, तुम्हारा पत्ता इधर ही कट गया, समझ गए? तो उसने तो वैसे ही होता है इंटरव्यू में, बेसिकली क्या होता है, एक पूरा सिनेरियो बनता है कि तुमने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया, एंड उसको अगर रिजेक्ट करना है तो वो अच्छा नहीं, पूरा सिनेरियो का एंड तक लेके गया एंड फिर मैं तुम्हारा रिजेक्शन किया। तो वही, बट बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि अगर आंसर 15 मिनट के ऊपर अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो 15 मिनट के बाद इंटरव्यू एंड कर देगा, एंड वो समझ जाना कि तुम उस कंपनी में सिलेक्शन तुम्हारा होने वाला नहीं है। जो इंटरव्यू 45 मिनट के नीचे अगर चलता है उस इंटरव्यू में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, इसका मतलब ये है कि तुमने उतना ज्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाया, समझ गए? तो यही बात है, तो ऐसा लूपहोल्स मत छोड़ो इंटरव्यूअर के पास ताकि वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर तुम्हारा ले ले, ठीक है? अमोल फॉरवर्ड, लेट्स मूव इनटू टेक्निकल्स फटाफट। फॉर शेयर नाउ वी अस्यूमिंग दैट यू हैव स्क्रिप्ट इज अ लाइटवेट एचटीएमएल सीएसएस यू हैव गॉट अ गुड सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई for sharing your thoughts. We really appreciate that. So right now we will get into your technicals. We'll check how strong you are in your technical skill sets and everything. Okay? Yes, sir. Yeah. So the first question I would like to ask is that, as you mentioned, that you have got a good passion towards web development and everything. So I guess, and I'm assuming that you have done HTML, CSS, JS, and everything. Yes, so I would like to know that what is JS? JS. So JavaScript is a lightweight, object-oriented, and functional programming language, as well as it is server-side, client-side. Hello, Ravi. Ravi, now you can go. आपको जिधर पॉज करने को लगे वो पॉज करने बोलना। हाँ, वही बोल रहा हूँ। Scripting language, lightweight, object-oriented, and functional programming language, as well as it is server-side or client-side scripting language. Is it client-side or server? Okay, pause karte hain yahan pe. Both. Okay. So definition theek hai, bas isme functional ki jagah it is having first class function. Okay. हाँ. So first class function बोलना चाहिए था. और बाकी ये भी clear करना चाहता हूँ कि nowadays we can say JavaScript is server side as well as client side as well as server side because of Node.js. और ये उसकी definition में भी update हो गया है. So अभी कह सकते हैं हम. मतलब Node.js का यूज करके अपन सर्वर साइड कर सकते हैं ना? यस यस बट अगर पर्टिकुलर सिर्फ जावास्क्रिप्ट का अगर क्वेश्चन रहा तो एक्चुअली Node.js इज जावास्क्रिप्ट सो यस यस जेएस मान के चला यस यस बाइट लो में सर्च कर लो ओके तो अगर हम ये बोलेंगे कि जावास्क्रिप्ट इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज तो ये सेंटेंस बराबर है आप इस पे देख सकते हो Mozilla डेवलपर जो है ना साइट जहाँ पे जावास्क्रिप्ट डिटेल इंफॉर्मेशन है ओके आप अपडेट कर दिया अगर तीन चार अभी मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है कि ये क्लाइंट साइड ही है तो ऐसा करके बोल सकते हैं कि हाँ इट इज अ क्लाइंट साइड बट मतलब अगर किसी ने पूछा तो बताना चाहिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है Node.js यानी क्या है तो अनमोल अब
इको क्रिएट करा है एक्चुअली. तो कुछ लोगों ने क्या किया है कि जो क्रोम ब्राउजर इंजन है उसका जो जावास्क्रिप्ट इंजन है क्रोम में का V8 वहां से उन्होंने निकाला है और वो उन्होंने यूज किया है सर्वर साइड. तो जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए जो भी जावास्क्रिप्ट इंजन लगता है अगर वो अपने ब्राउजर के बाहर निकाल के यूज किया जावास्क्रिप्ट कहीं पे भी रन होता है और नोड वालों ने वही किया है. क्रोम में से जो V8 इंजन है वो निकाल के उन्होंने सर्वर साइड यूज करना स्टार्ट कर दिया. तो कोड में टाइपस्क्रिप्ट हो या ES6 हो या कोई भी हो वो फाइनली जावास्क्रिप्ट और उसका कोड रेंडर करता है जावास्क्रिप्ट इंजन V8. हाँ ठीक है. आप उनको मतलब ऋषिकेश को ये बता दो क्या सही है क्या गलत है वो उस हिसाब से होगा. हाँ ठीक है. ऋषिकेश को ऑलरेडी बता ये डिस्कस किया था कल पॉइंट शायद हमने. हाँ ओके ओके. अगर डिस्कस्ड है तो पॉज करने मत बोलो जो जहाँ जहाँ डिस्कशन नहीं हुआ है वो सब पॉज करने बोलो. ओके ठीक है. सो आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन. सो यू मेंशन लाइक इट इज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड लैंग्वेज. सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट साइड लैंग्वेज. First of all, when JavaScript came, it is only built for a client-side scripting language. Okay, like Angular and all the things. And then it came to the server side. Server side as Node and we are using. So as client-side scripting language, it runs only on the client side or a browser. It won't means contact with the server. So we can execute our programs on client side only. It runs in a browser, so that's the client side. And how we can use JavaScript at server side? At server side, we have frameworks like Node.js. Node.js. In front end, we use Angular.js for front end. And at server side, yes. Sir. Not Node.js, only JavaScript. How we can use at server side? Means yes sir, we can use on server side as a programming language. Yeah, that's what I'm asking, how and where. Means at server side, whenever we want a response from a server, for that we can use JavaScript as Java and Python or the languages like that we can use at server side. Okay no issues. तो इस पे कुछ बोलना है रवि आपको? नहीं ये ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया. ओके गुड टू गो. आई वुड आल्सो लाइक टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स दैट इज अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट. नंबर स्ट्रिंग बूलियन अनडिफाइंड. आर यू मिसिंग एनीथिंग? There are two types of data types. One is primitive data type and another is non-primitive data types. Okay, in primitive data types, number, string, boolean and undefined and null is there. These five are in primitive data types. In when it comes to non-primitive data types, array, object and functions, these are the non-primitive data types. Sorry for okay. No issues. Suppose like if I have declared one variable like var a and yes. At the next line I am checking the type of that variable, so what will be the output? Var a and next line we are checking the output undefined. Yes. How we will check the data type of that variable? Means in console. Yeah, but which keyword or which code we will use to check that? For that type of is used for checking the data type. Okay and suppose let's say if I am suppose I have declared the same variable like where a and at the next yes. line I have written like a is equal to in the double quote double one. So what will be yes, the type sir. Of that variable and at the next line I have checked that it will be string sir. Yes, it will be string. Okay,
also I would like to know about I think you do have a knowledge of operator Ravi agar hello agar aap aapne matlab already discuss kiya hai to batao fir wo aage le leta hu main nahi nahi jaane do okay abhi mujhe bhi nahi pata na kaun se time pe possible so what is the equal to operator in JS equal to operator is used to means checking the triple equals to used to checking the data type and equals to used to check the value okay I'm all thoda pause checking the value of what value what? Of whose value okay so triple equal to means strictly equal to and hello Ravi hello drop ho gaya wo awaaz aa raha hai ravi ka awaaz nahi aa raha hai might be internet ka kuch issue hoga shayad wo bolne ki koshish kar rahe but awaaz nahi aa raha hai हेलो रवि इधर लाइट गई होगी या वापस से कनेक्ट कर रहा है शायद राइट ड्रॉप हो गया तब तक तो ऋषिकेश को फॉलो कर पा रहे हो राइट हाँ यस सर मतलब okay, बहुत सारी मिस्टेक्स है थोड़ी नहीं हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम देखो मिस्टेक से ही हम लोग सीखेंगे तो उसका कोई टेंशन मत लो कि एम्बैरेस भी फील मत करो कि बिकॉज़ ये सिर्फ तुम नहीं हमारे साथ नहीं, भी नहीं, हो चुका है तो ये इससे एक लर्निंग फेज हो जाएगा तो अच्छा होगा बाकी और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अगर रिलेट कर पाओगे चीजों को कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती किया है तो तुम ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर लोगे अगर तुम्हें मतलब समझ में आएगा तो हाँ सर तो वही इम्पोर्टेंट चीज बॉडी लैंग्वेज भी सर बहुत हिल रहा है मेरा मतलब बहुत ऐसा हाँ वो हो गई बिकॉज़ देखो तुम वर्ड्स ढूंढ रहे हो राइट सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है वर्ड्स ढूंढ रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है बॉडी आंखें इधर उधर हो जाना या आगे पीछे हिलना तो ऐसा हो जाता है तो इट्स फाइन एब्सोल्युटली फाइन नॉर्मल है ये सब चीजें बट नेक्स्ट इंटरव्यू तुम्हारा संडे होगा वापस से ठीक है सर ठीक है तो उसमें ये सब इश्यूज नहीं होना चाहिए नहीं सर मैं कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी करूंगा जस्ट टू सी कि तुमने प्रैक्टिस किया है कि नहीं ठीक है सर ओके हाँ और एक चीज सपोज तुम्हारा मतलब कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं रहा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बट मेक श्योर करना कि आगे वाले को अपन जो बोल रहे हो मतलब कैसा हाँ समझ में आ जाए बट यहाँ पे क्या हो रहा था ना आज बहुत जगह पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तुम क्या बोलना चाहते हो एटलीस्ट थोड़ा सा टेंस पकड़ के मतलब जो फ्यूचर में जो बोलना चाहते हो या पास्ट में जो बोलना चाहते हो वो चीज और थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट उसको जो मतलब समझ में आ जाए ताकि मतलब कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकली तो अच्छे रहते है बट आगे वाले कुछ समझ में नहीं आता फिर टोटल फेल हो जाता है हाँ तो एक्सप्रेस करना इम्पोर्टेंट है चाहे थोड़ा बहुत गलती भी हो जाए अमोल म्यूट हाँ तो अगर फिर हाँ तो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाता है तो कोई उतना इशू नहीं होता ज्यादा बट मेजर मतलब तुम बोलना कुछ चाह रहे हो सामने वाले को जवाब नहीं पहुंच रहा है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो ठीक है विद टाइम हो जाएगा ये तो सिर्फ फर्स्ट मॉक इंटरव्यू था ऐसे तुम लोग 8-10 इंटरव्यू दोगे हमारे साथ ही फिर बाहर से लोग आएंगे जो कि ऑलरेडी दूसरे कंपनीज में काम कर रहे हैं वो लोग भी तुम्हारा आके मॉक इंटरव्यू लेगा तो बहुत सारे प्लान थे एंड देन आप लोगों को भेजा जाएगा अगर इतने इंटरव्यूज में भी ठीक नहीं होता है फिर तो मुश्किल ही है फिर तो आपने खुद को ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मेरा नहीं होगा तो वैसा तो नहीं होगा किसी के साथ भी बट हाँ कोई अगर ऐसा सोचे कि नहीं हो जाएगा
मैं पढ़ लूंगा, तो ऐसा करके नहीं होता एक्चुअली। तो मैं अभी से ही प्रैक्टिस करना होगा, लोगों से बात करो, एंड सबसे बेस्ट वे टू इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन ग्रामेटिकल एरर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, मेरे को एक टाइम था मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, अभी लोग मेरे को देख के बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो अलग ही लगता है, तुम्हें तो लगता है बचपन से इंग्लिश बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा। तुम लोग तो बेटर सिचुएशन में हो मेरे से, अगर मैं अपने आप को बना सकता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं बना पाओगे। मैं बंगाली हूँ भाई, मतलब मुझे हिंदी भी बोलना नहीं आता था सही तरीके से, क्योंकि बंगाली लोग हिंदी बोलते हैं तो पता ही है, मूवीज में जाके दिखाता है वैसे ही है, मैंने मम्मी बोलो पापा बोलो ऐसे ही हिंदी बोलते है। बट मैं नहीं बोलता, बिकॉज मैंने अपने आप को ठीक किया है कि नहीं यार दुनिया के सामने आना है, अपने आप को अगर ठीक नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए सब अपने ऊपर है बाकी और कुछ नहीं। रवि ज्वाइन कर रहा है क्या? हाँ एक शायद, हाँ 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 मैंने कॉल किया था वो कर दे, ज्वाइन हो गए। हेलो, हाँ रवि सुनाई दे रहा है वॉइस। हाँ अभी ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत दिमाग का पर ये नेट भी गया तो मैं जो फटाफट क्या वो हो गया ना ना इक्वल टू डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू वाला नहीं हुआ ना, आपने पॉज करने बोला तो ट्रिपल इक्वल टू नहीं स्ट्रिक्टली इक्वल टू, उस केस में डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक होता है, तो ऋषि ये दोनों भी मेंशन करना पड़ेगा। सिर्फ डेटा टाइप बोलोगे ना तो अलग ही हो जाएगा मैसेज। ओके अमल स्टार्ट कर दो। फॉर व्हाट वी आर असाइनिंग, Can you explain these concept like double equal to and triple equal to concept using any of the example? Yes, when we are using if condition, if we are using if condition and there is inside we are checking the string, then we will simply use equals to, it will check the only that string, means that if 11 is there, it will also consider it as a number. It will not check for the data type, okay? And when we use triple equals to, it will check also the data type. It will compulsory, it will give the string. That's okay. So suppose at first line, I have an variable A and I have assigned the value like 10 to that, only simple 10. And at the next line, I have declared another variable that is B and I have assigned 10 variable means like 10 value in double quote, and at the next line I am checking that like if a is equal to b, then what will be the output? True. And if I at the next line if I check a triple equal to b, what will be the output? False. What is the reason behind this true and false, double two and triple? When we check with triple equals to, it will check the data type also. And when we use only equals to, that string value are also considered as a number. Okay, got it. तो ऋषिकेश यहाँ पे ना आपने सिर्फ सिंपल अगर बोले रहते था स्टार्टिंग में ही कि डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू चेक करता है और ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू और डेटा टाइप चेक करता है, बस इतना ही था, बट वो आपने बोला ही नहीं तो इसके कारण वो क्वेश्चंस पूछने पड़े। ठीक है, सो बेसिकली इन राइट अंडरस्टूड। सो आल्सो आई वुड लाइक टू नो दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू सबमिट अ फॉर्म यूजिंग जावास्क्रिप्ट, व्हाट शुड बी द कोड दैट विल बी दैट शुड बी यूज्ड, व्हाट शुड बी द कोड? कोड, या कोड, ओके। I should tell. You can write it in the chat section if you want. Nahin, bol sak, I can tell also. Okay. Yeah, firstly, okay, tell. Firstly, we'll create our HTML structure, and inside body, we'll just tell me the code. Form tag we'll use first. Form, and inside that, what we want inside form input types. We'll take all the input types. Okay. And that form action where we want to submit our form.
there will it is assigned in form action attribute on which page we will go after submitting the form. And when 2-3 input fields like name, password, email we have given, then we will use button type, input type. Input type is equals to button, and there we will use submit as a value and closing that. And then we'll close our form tag. Okay. Amol, ek minute pause karta hai. Ite JavaScript mein aiklo sa nahi. अच्छा तर ऍक्च्युली इथं एक्सपेक्टेड काय होत की फॉर्मला जावास्क्रिप्ट मध्ये सेट करायचं आणि त्याच्यावरती सबमिट इव्हेंट बाइंड करायचं. हो बस ना, पूर्ण म्हणजे कोड एक्सप्लेन करायची गरज नाही. मी काय केलो, मी यहाँ पे सिर्फ हमें ये बताना था कि फॉर्म को सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसके ऊपर सबमिट इवेंट बाइंड करना है बस. तो इधर मैंने जावास्क्रिप्ट सुना ही नहीं, तो मुझको फॉर्म फॉर्म का कोड बोले तो फॉर्म कैसे सबमिट करना है एचटीएमएल में बता दिया मैं. ओके, जावास्क्रिप्ट सुनने में नहीं आया तब मेरे. ठीक है, सो बेसिकली वी यूज document.form0.submit फंक्शन. सो दैट इज द कोड दैट वी बेसिकली डू टू सबमिट अ फॉर्म. जेएस, यस. Yeah. Do you know global variable? Yes, sir. What is that in JavaScript? In JavaScript, global variables variables are means outside the function, which are used in whole page, that are the global variables. Okay, and what is the difference between local and global variable? Local variables are only in used in a block or a function. And the global variables are used in whole page, in function also and outside the function. Okay, and how to declare that? How to declare global variable? Global variable we can declare in outside the function in anywhere in the page, which is the scope is for all the page. Suppose at the middle of the page I have declared one variable, that will be global at top of the page? In middle. Suppose I have declared one variable at middle of the page, and yes. I am using that variable at top of the page. So will it be accessible, and is that like a global variable? It will give means if you are, we are declaring middle of the page, it is declared, but it will give upside undefined value because of hoisting in JavaScript. Yeah, but just before some time you have mentioned like we yes, can declare any. It is global variable. Anywhere, and it is global variable, but why then it is not accessible at top of the page? It is declared as a global variable, but it we can't use because of the behavior of JavaScript. There is a default behavior of JavaScript, that is hoisting in JavaScript. So that value, because the declaration is declared, but value is not shifted to the top of the page. Okay, and suppose if we are declaring the same variable, like suppose variable called A is a global variable, and inside the one of the block of the code like loop, we have declared again local variable as A. Then we are using inside that same variable A. Then which variable will be accessible? Suppose we have declared one variable. Yeah, as a global variable, and also yes. The same variable as a local variable, and yes. We are using that same variable A in the block of that code. So which yes. Variable will be accessible? Local variable. Yes. Okay, and you mentioned there is one misconcept called hoisting. What is that? In JavaScript, it is a default behavior of JavaScript in which all the declarations are shifted to the top of the page. Of current scope. Okay, fine. Okay, so Rushikesh, I am sending you a question on the chat section. So can you please share the what will be the output of the following? Twelve.
हेलो हाँ हेलो हाँ रवि आए इतना रवि ना तो दूसरे ने ज्वाइन किया रवि वापस ज्वाइन किया ओके ओके ठीक है हाँ हाँ तो ये आंसर बेसिकली गलत था ये गलत है तो पता होगा शायद तुम्हें क्वेश्चन वाज वो ये एडिशन वाला 3+2+7 समथिंग ऐसा कुछ तो था स्ट्रिंग स्ट्रिंग होते की पहला नंबर के लो चुपन की दैट इज अ करेक्ट थोड़ा फॉरवर्ड कर दे अमोल एक्चुअली होस्टिंग बताने की जरूरत नहीं थी होस्टिंग का वहां पे एक फंडा नहीं आता अगर हमने कोई डिक्लेरेशन यूज किया है और उसको यूज करना चाहते हैं तो हम उस डिक्लेरेशन के बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं सपोज वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 और मुझे x यूज करना है मतलब मुझे x की वैल्यू यूज करनी है राइट तो ये होस्टिंग होता है अनडिफाइंड रहता है वो बताने की जरूरत नहीं थी हमें सिर्फ इतना चाहता है कि कहना चाहिए x इज अ ग्लोबल वेरिएबल बट वी कैन यूज दैट डिक्लेरेशन आफ्टर दैट वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट ऑफ इट राइट हाँ अगर फंक्शन होता तो फंक्शन का प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन आप कहीं पे भी डिक्लेयर करो होस्टिंग से वो पूरा फंक्शन ऊपर जाता है और कहीं पे भी यूज कर सकते हो बट डिक्लेरेशन के केस में ऐसा नहीं होता राइट ओके सर हां तो मतलब उस केस में मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछा है कि मिडल में इस वेरिएबल डिक्लेयर किया है अगर टॉप में अगर एक्सेस करने का प्रयास कर रहे तो नहीं होता है ऐसा बोलना चाहिए था राइट यस करेक्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन गुगली था तो इस केस में कि डिक्लेरेशन के बाद मिडल से हम लेकिन ऊपर की जो अनडिफाइंड मिलेगी अगर अमोल म्यूट कर अमोल ओके तो उस डिक्लेरेशन का अगर हम ऊपर यूज करना चाहते हैं तो हम उसको एसेस कर सकते हैं बट उसकी वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिलेगी राइट तो खुद से इंटरव्यू को देना नहीं है क्वेश्चन अगर आप खुद से बोलोगे क्वेश्चन वर्ड तो बोलेगा कि भाई क्वेश्चन क्या है हाँ अगर आपको कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन क्या है तो इंटरव्यू को हम ऐसे घुमा भी सकते हैं उसके क्वेश्चन से हम उसको हटा सकते हैं अपने क्वेश्चन पे ला सकते हैं अपने स्ट्रांग वाले एरियाज तेज तेज खेल दो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तेनी होस्टिंग है विचार ले ओ हां सही है फिर तो मैंने वही किया था एक्चुअली उसी लिए ही किया था वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि तुमने वो उसका होस्टिंग का मतलब तुम मुझको डेफिनेशन मालूम था परफेक्ट हां तो ये अमल आप करोगे अरे रुको रुको तुम तो ये क्लास के टाइम ही मैंने बोला था उनको कि अगर अपना कोई स्ट्रांग फील्ड है स्ट्रांग एरिया है टेक्निकल तो उसमें से वर्ड यूज करते जाना आंसर में यानी इंटरव्यूअर क्या करेगा अपने क्वेश्चन छोड़ के जो बंदे का इंटरव्यू ले रहा है उसके क्वेश्चन आंसर में से कीवर्ड के ऊपर वो क्या करेगा क्वेश्चन थ्रो करेगा और हम तो उसमें मास्टर थे ही इसलिए उसने ऋषि ने क्वेश्चन यूज किया था ओके ठीक है गुड ट्राई ओके अप्लाई कर सकते हो इफ यू सी 7 इज 3 प्लस 2 इज एन इंटीजर कोएर्जन कांसेप्ट विल कम इन यस इट इज अ कोएर्जन कांसेप्ट विल कम इन दिस डिफॉल्ट कोएर्जन मींस दैट स्ट्रिंग आल्सो कन्वर्टेड एज अ नंबर जावास्क्रिप्ट इट टेक्स एज अ नंबर दैट इज द कोएर्जन ऑफ कोएर्जन कांसेप्ट इज देयर ओके या डू यू नो जेक्वेरी नो दे हैव नॉट येट स्टार्टेड विद जेक्वेरी प्रॉपर्ली ओके आई हैव अ फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड देन इफ यू हैव गॉट एनी अमाउंट देन यू कैन आस्क आई थिंक यू हैव हर्ड ऑफ वॉइड जीरो वॉइड जीरो Yeah. Zero. JS. Yeah. Void zero. So what is the use of void zero? Void zero. I'm just typing it on chat. Just check. Void zero.
डोंट नो सर ओके नो इश्यूज सो काउंटर टू दैट क्वेश्चन आई शुड आस्क अदर क्वेश्चन देन वाइड जीरो पहलो मी आंसर वाइड जीरो सर देखा मैंने बाद में ओके अनडिफाइंड आती है उसकी वैल्यू हेलो शुभदीप सर हेलो यस यस ओके हाँ ठीक है आर यू अवेयर ऑफ द पॉपअप बॉक्सेस दैट इज अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट यस सर व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपअप बॉक्सेस दैट अलर्ट इज देयर prompt is there and one more is there alert prompt confirm that's right so Amol I'm done from my end do you want to ask any more technical questions to so do you know this keyword in JavaScript yes sir what is that this is a keyword in JavaScript that means it is a represent the closest or nearest object of a function okay and what do you mean by object in JavaScript object for storing multiple values we use objects as a key value pairs and how to declare that there are two methods one is literal method means we'll declare as if where O1 is or obj is equals to new object okay and it is a constructor method and another is a literal method that is like we'll use curly braces and then there is key and value inside okay. that colon is there okay, and fine. It is separated by comma so if I रवि ये बराबर था ना आंसर यस 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 ओके आई सेड सपोज देयर इज वन एचटीएमएल फॉर्म एंड इफ आई सेड सबमिट दैट एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग जावास्क्रिप्ट सो इज दैट पॉसिबल एंड इफ पॉसिबल हाउ टू डू दैट यस इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट सो वी यूज we use add event listener as a submit event on that submit button we will use submit event and for that we will write a callback function and we'll submit that callback function but inside that what do we have to inside that we'll save that info if we want to save in a local data storage of our if we want to send it to a server we'll in form attributes we'll send it we use attribute and if you want to store at our local storage we'll use a local data storage for that and suppose if we want to style any element style yes. means apply css to yes, any sir. Element using JavaScript can we do that and if yes how to do that yes sir we can do yes, that sir. Firstly we'll select that element by a query selector or an element selector or class selector or id selector and then we'll take that means variable and that if that variable is some d1 dot style dot and then we'll write if you want to change the color or background color and is equals to what color we want to give in the java आगे ले सकते हैं ये क्वेश्चन करेक्ट है मैंने देखे हेलो सो आर यू डन विद ऑल योर क्वेश्चंस अब या वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड यस सर यस सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू स्टेट एंड सेशन स्टेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू स्टेट एंड सेशन स्टेट व्यू स्टेट ये सिलेबस में लिखा नहीं है ये पढ़ाया नहीं एक्चुअली सेशन स्टेट म्हणजे आपलं तेच की आपण सेशन म्हणजे का दुसरं काही आहे हॅलो हॅलो
हाँ ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो इसको फॉरवर्ड कर दो ना फटाफट। हाँ तो रवि ऋषिकेश आपको रवि बताएंगे बाद में। रवि ये जरूरी क्या मतलब पढ़ना ये कॉन्सेप्ट? म्यूट पे हो रहा विषय। हाँ हाँ नेट का इशू है, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। हाँ नहीं है, ये एज अ फ्रंट एंड डेवलपर उतना जरूरी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है इसने तो उस लेवल में नहीं रखा है। हाँ ठीक है फॉरवर्ड कर दो अमोल फटाफट। स्टेट एंड सेशन स्टेट नहीं सेशन मींस सेशन पेज लाइक दैट फॉर सम टास्क विल ऑन आवर फोन और ऑन इंटरनेट चेक। और ओके शुभदीप वन मोर लास्ट क्वेश्चन देन वी विल श्योर। सो आई वुड लाइक टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन, सो इज देयर एनी अल्टरनेटिव टू जावास्क्रिप्ट? ये आपका वन लास्ट करके पांचवा क्वेश्चन है। टाइपस्क्रिप्ट अल्टरनेटिव है ना सर? नहीं टाइपस्क्रिप्ट इज आल्सो सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। हां डॉट सो डॉट ने या माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कुछ तो ब्लेजर करके नया निकाला है राइट अबाउट डॉट डॉट भी है डॉट यस द अल्टरनेटिव फॉर जावास्क्रिप्ट। हां एक एक है एक अल्टरनेटिव है शायद वो 4-5 साल पहले निकाला है बट इतना पॉपुलर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का है फाउंडेशन है डॉट के साथ ब्लेजर करके लेकिन वो उतना नहीं है अभी भी और चांसेस बहुत कम है कि वो आगे भी सक्सेस होगा। तो हमारी जब तक लाइफ है हमारे लाइफ स्पैन में हमारा जावास्क्रिप्ट पे काम करना है इतना फिक्स है। कोई नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं फॉर फ्रंट एंड यस और बैक एंड या फ्रंट एंड ओनली एट क्लाइंट साइड ओनली। सपोज इफ आई आस्क यू we have to perform some JavaScript operation like suppose one click event forward kar de ho gaya na discuss say, yes as sir said jQuery is there activity so how we can for events only suppose for click event alternative okay there is alternative for that please do check yes sir okay definitely ha ho gaya khatam। ओके तो मोस्ट प्रोबेबली ऋषिकेश तुम्हें म्यूट कर दो। हाँ तो शायद तुम्हें समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है ठीक है तो उसको थोड़ा मतलब अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करके कोशिश करो कि वो सब मिस्टेक्स ना दोहराओ ठीक है। टेक्निकली भी एंड टेक्निकल में तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं था बट हाँ था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है तुमसे। तुमसे हम लोग चाहते हैं 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो 10 का ही सही आंसर आना चाहिए ठीक है। दैट इज द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन यू हैव क्रिएटेड इन विद इन आवर माइंड बट उस दिन के बाद एक्सपेक्टेशन एकदम जीरो हो गया नेगेटिव में चला गया। बट एंड एचआर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसमें तो तुम्हें पता ही है कि वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है तो करो कोशिश तो डेफिनेटली अच्छा हो ही जाएगा। इतने सारे होने वाले हैं अभी मॉक इंटरव्यूज तो डे बाय डे तुम लोग इम्प्रूव होते ही जाओगे हर एक। बट टाइम को रोज यूटिलाइज करो, कल सबसे वापस से मीट करो। कल 3-4 बजे हमारा कल भी ऑक्यूपाइड रहेगा तो 3-4 बजे को छोड़ के कोई और टाइम पे ये कर लें। सुबह भी फ्री सिर्फ 3-4 नहीं हो पाए ठीक है। 3-4 नहीं मिलेगा बाकी पूरा दिन कर सकते हो कोई अच्छा रहेगा। आप 1 बजे तक कभी भी पूरा यूटिलाइज करो सुबह से 10 बजे से 1 बजे तक। हाँ उस टाइम पे हाँ, हम 10 से 1 बजे तक कभी ऑफिस वर्क में तो ठीक। हाँ ओके तो वैसे करके करो और इम्प्रूव होते जाओगे कोई टेंशन नहीं है। एंड प्लीज बिल्कुल भी मराठी हिंदी जो भी है वो यूज ही मत करो, कोशिश करो। एंड अगर कोई मिस्टेक कर रहा है जैसे तुम्हें पता होगा कि अगर इसने किसी ने गलत बोला तो बोलो कि नहीं भाई मुझे लग रहा है कुछ गलत बोल रहा है। अगर गूगल में ढूंढना चाहो तो गूगल में ढूंढो बट उसको ठीक कर लो तभी समझ गए। ऐसे एक दूसरे को एनकरेज करते रहो देखना सबका हो जाएगा अच्छे से ठीक है। ठीक है सर।
ओके चलो होपफुली ये सेशन तुम्हारे लिए फायदेमंद हुआ थोड़ा एंड आगे के सेशंस भी होते ही रहेंगे. संडे हम लोग वापस से तुम्हारा लेने वाले, सो वैसे करके मेंटल प्रिपरेशन ले लो ताकि उसमें ये सब मिस्टेक्स ना हो. ठीक है ठीक है सर चलो.